लास्ट वीडियो पे मेरे कमेंट आया कि दीदी सिलेबस कंप्लीट हो चुका है बट कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है, कुछ लाइक ऐसा लग नहीं रहा है कि अभी तक कुछ पढ़ा है। तो इट्स अ हाई टाइम कि ऐसा फील होता है अगर किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट है तो भी, सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट है तो भी, एग्ज़ाम के इस मोमेंट पे इस टाइम पे ऐसा फील होना जेन्युइन है कि आई डोंट नो, मुझे लगता रहा है कि मैं इस बार फिर से फेल हो जाऊंगा एंड मुझे कुछ आता ही नहीं भले सारा सिलेबस कंप्लीट कर रखे। हाई टाइम टू बूस्ट योर एनर्जी, बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, बूस्ट योर मोटिवेशन। वो कैसे करें तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। आप एक दो पॉइंट जो है आप अगर उसको फॉलो करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आप पास भी हो सकते हो, आपको कॉन्फिडेंस हाई लेवल पर हो जाएगा। तो हाई गाइज, आई एम प्रतिमा, वेलकम बैक टू माई चैनल प्रतिमा सीएस प्रेम। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नाउ अगर आपको कॉन्फिडेंस एकदम नहीं आ रहा है कि लग रहा है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया बट कुछ नहीं आता ऐसा फील हो रहा है, तो आपको एक काम करना है, वो है टेस्ट देना। अगर आप टेस्ट दोगे, आपको अच्छा मार्क्स स्कोर होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली आपको कॉन्फिडेंस जो इस लेवल से इस लेवल पे हो जाएगा, बूस्ट होगा। तो आपको बस करना है टेस्ट देना हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट का। एंड आप चाहो तो चैप्टर वाइज भी दे सकते हो, आप चाहो तो 100 मार्क्स का टेस्ट भी दे सकते हो। नाउ टेस्ट आप क्या करो, अब आपके पास ज़्यादा टाइम बचा है नहीं, तो आप जब ICI के माहौल में टेस्ट लोग, अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो मैं बता दूँ आपका 2 से 5 तक फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर, 2 से 4 आपका थर्ड एंड फोर्थ पेपर होता है। तो आपका फर्स्ट 3 घंटे का पेपर होगा फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड फोर्थ एंड थर्ड पेपर वो 2 आवर्स का होगा। तो आपको इसी तरह से टेस्ट देना है अकाउंट्स एंड लॉ के लिए। आप 2 से 5 बजे बैठो, उसको ऐसा माहौल क्रिएट करो कि हाँ आप ICI जो एग्ज़ाम लेता है, आप एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको एक फील आएगा कि हाँ अब एग्ज़ाम आ गया है। और थोड़ा भी डिमोटिवेशन होता है कि चलो छोड़ो तो बाद में पढ़ाई करेंगे, तो आप टेस्ट देना है तो आप ऑटोमेटिकली जो है कॉन्फिडेंस यहाँ से याद आ जाएगा। तो अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर जरूर क्लिक करना। अगर आपने लास्ट वीडियोस नहीं देखा है जो सीरीज स्टार्ट किया है कि 1 मंथ में किस तरीके से आप सारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो, टेस्ट दे सकते हो, चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, रिविजन कर सकते हो, तो गो एंड वॉच। प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने क्रिएट कर रखा है, ओके। एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हर एक चैप्टर का, हर एक सब्जेक्ट के चैप्टर्स का मैं इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच, मैंने उसका भी अलग प्लेलिस्ट बना रखा है। थैंक यू सो मच।